तो डीएसजीएमसी चोणों के नतीजे सामने आए, एक पासे जित का जश्न है तो दूजे पासे हार नूं लैके मंथन चल रहा है कि आखिर हार होई क्यों। पर दूजे पासे जेकर पंजाब की सियासत की गल करिए इंतजार 11 मार्च का हो रहा विधानसभा चोणों के नतीजों का। पर विधानसभा चोणों दौरान डेरा सच्चा सौदा की हिमायत लैण वाले उम्मीदवारों के मामले की रिपोर्ट 7 मार्च को आने की उम्मीद है। एसजीपीसी प्रधान ने इस मुतलक जानकारी दी। पंजाब विधानसभा चोणां च डेरा सच्चा सौदा का समर्थन हासिल करने की खातर सत्ताधारी अकाली दल आम आदमी पार्टी तो लैके कांग्रेस तक के नेता भी शामिल सन, जिस तों बाद इस पूरे मामले ते अकाल तख्त ने रिपोर्ट तलब की है। एसजीपीसी प्रधान ने दस्या कि मामले का दायरा काफ़ी वड्डा है, इसलिए कमेटी नूं कुछ होर समय की जरूरत है, जिसके चलदियां कमेटी नूं 7 मार्च तक का समा दिता गया। इस तों इलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते गुटका साहिब की बेअदबी की रोकथाम नूं लैके उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी गई। एसजीपीसी ने डीयू दी विद्यार्थन गुरमेहर कौर दे बयान लैके खड़े हुए सवाल का भी पक्ष लिता है। कमेटी का कहना है कि गुरमेहर कौर शहीद की बेटी है ते जिसका सन्मान हरेक देशवासी नूं करना चाहिए। फिर उन्होंने देख के सानूं लिखती रूप से कहा तिने मैंबरां ने कि ये बहुत लंबा काम है, इस करके कल कल आइडेंटिफाई करना, उन्होंने पूछना, उन्होंने करना टाइम लगा। असं उन्होंने 7 मार्च तक का जो टाइम है वो अंतरिम कमेटी ने दिता, एग्जैक्टिव कमेटी ने दिता कि 7 मार्च तक अपनी रिपोर्ट जी है वो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को सौंप दो, कि उन्होंने कमेटियां जागरूक किया जाए कि तुहाडा ये फर्ज अब्बल है कि तुसीं इहदी देख रेख जी वो तुसीं आप करनी है। मेरा ख्याल है 2-3 महीने च इस जी असी मूवमेंट शुरू की है, ये अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। तो उस देश में इदा की घटना जी हो जिन्नी उसकी निंदा करी जाए वो थोड़ी है। गुरमेहर कले सिखा की कुड़ी नहीं है, कदे वो कैप्टन साहब की शहीद की लड़की नहीं है, वो सारे भारत की धी है, हर हर धी भारत की सांझी धी है, और भारतीय सारे का ये फर्ज अब्बल बनता है कि अपनी धियां की अपना माण सत्कार अपना कायम रख सकी। एस जी पी सी ने सिखक अदारों के सुधार को लेकर भी कई फैसले किए ने। इस अंदर एस जी पी सी के स्कूलों के पढ़ाने वाले कच्चे टीचर पक्या जिनी सुविधावां देने की भी गल की गई है। इस दे नाल ही एस जी पी सी कर्मचारियों 7% महंगाई भत्ता भी दिता जाएगा। महिला अधिकारी ने कर्मचारी ने उन्होंने जो असी जो कच्चे ने टीचर उन्होंने 4 महीने की पछौती छुट्टी मिलती सी, लेकिन असी यह वितकरा खत्म करता भावें वह रेगूलर आ भावें वो एडिड है अनएडिड है या वो है, उन्होंने सारे नो जो है 6 महीने की प्रसूति छुट्टी देंगे। इस तरह श्रोमणी कमेटी के कालजा के स्टाफ न 1 जनवरी 2017 तो 7% महंगाई भत्ते की किस्त जी है किस्त डी ए जी 132% हो जाएगी, 132% जी प्रवानगी दी गई है। कमेटी ने बुढ़लाडा च गुरु नानक कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर वधाने के लिए 1,80,00,000 की मदद का भी ऐलान किया। चंडीगढ़ तो पुनीत परिंजा, जी मीडिया।